भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी सोहई ऐ भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सब की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामणि से, प्रभु राम की जन्मभूमि से, माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।